हे दोस्तों, वीडियो पर क्लिक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज फर्स्ट ग्रेड के कायदे से ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन जो है फर्स्ट ग्रेड के कायदे से इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप इसे बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा टॉपिक होता है सर, जिसमें हम किसी भी सेंटेंस को एक दूसरे तरफ से लिखने या बताने की कोशिश करते हैं। किसी भी असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना और नेगेटिव से वापस असर्टिव में बदल देना, किसी भी सेंटेंस को आप उसे इंटरोगेटिव में बदलना और इंटरोगेटिव से वापस असर्टिव में बदल देना, किसी भी एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलना या असर्टिव को वापस एक्सक्लेमेटरी में बदलना, और इसी प्रकार से इंपेरेटिव को असर्टिव और असर्टिव को वापस इंपेरेटिव में बदलना। ये तो इनकी सिंपल और सामान्य प्रकार की हुई बातें। इन्हें सॉल्व कैसे किया जाएगा दोस्तों, एक चुटकी में आपको इससे समझा दूंगा। बने रहिए मेरे साथ। अब हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाया जाए। यदि आपके सेंटेंस में कुछ ये चीज़ें दे रखी हो तो उन्हें इस तरीके से चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, बोथ एंड या फिर सिर्फ एंड का प्रयोग दिया हुआ हो तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करें। मस्ट दिया हुआ है तो कैनॉट हेल्प प्लस ING का प्रयोग करें। ऑलवेज नेवर में चेंज हो जाएगा। एज सून एज नो सूनर हैड में चेंज कर दिया जाएगा। बात आती है मैनी दिया हुआ है तो नॉट ऑफ यू में चेंज करें। अ फ्यू दिया हुआ है तो नॉट मैनी में चेंज करें। मच दिया हुआ है तो नॉट अ लिटल में चेंज करें। फाइनली ओनली, अलोन या मेयरली, इनमें से कुछ भी दिया हुआ हो दोस्तों तो ढंग से समझिएगा। ओनली, अलोन या मेयरली, तो अगर आप इंसान की बात कर रहे हैं तो फॉर पर्सन में हम नन बट का प्रयोग करते हैं। अगर कोई चीज़ की बात कर रहे हैं तो नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। और अगर आप नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नोट मोर देन और नॉट लेस देन का प्रयोग करते हैं। शुरू करूंगा, आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने। आप ये देखिएगा कि इन शब्दों का प्रयोग इनमें कहाँ हुआ है। इन शब्दों को इन शब्दों में बदलना है, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बोध रीना एंड मोहित मेड दिस पेंटिंग। आपको दिख रहा होगा बोध और एंड का प्रयोग, तो आपको कुछ नहीं करना है सर, बोथ और एंड को नॉट ओनली बट ऑल्सो में चेंज कर देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जनाब, नॉट ओनली रीना बट ऑल्सो मोहित मेड दिस पेंटिंग। कोई तकलीफ नहीं है। अब आप सेकंड सेंटेंस देखेंगे कि इसके अंदर दिया हुआ ही ऑलवेज विंस द गेम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलवेज दिया हुआ है और ऑलवेज को हम सर नेवर में चेंज करते हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसे चेंज कर दें। ही नेवर, विन का उल्टा हो जाएगा लॉस। ही नेवर लॉसेस द गेम। कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट आता है आपके सामने, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में मस्ट दिया हुआ है, मस्ट को हम सर कैनॉट हेल्प प्लस ING में चेंज करते हैं, तो यहाँ करेंगे वी कांट हेल्प, क्रिया में ING लगाना है, तो रेस्पेक्टिंग आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जो शब्द दिया गया उसको रिप्लेस किस में किया जाएगा, इतना ही आपको ध्यान रखना है। आगे दिया हुआ है एज सून एज द ट्रेन अराइव्ड ही गॉट इन, तो आप सभी जानते हैं कि एज सून एज को हम नो सूनर हेड में चेंज करते हैं, तो आप देखेंगे कि हम लिखेंगे यहाँ पर नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड ही गॉट इन टू इट। बिल्कुल नॉर्मल सा है, कोई तकलीफ नहीं है। आगे आप देखते हैं रोहन हैज़ मैनी फ्रेंड्स। जब हम हैज़ में सॉरी मैनी की बात करते हैं तो मैनी को हम नॉट अ फ्यू में चेंज करते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैनी को नॉट अ फ्यू में चेंज करें, तो बिल्कुल नॉर्मल सा सेंटेंस है। आप देखेंगे इसे चेंज करेंगे, रोहन हैज़ नॉट अ फ्यू फ्रेंड्स। कोई तकलीफ नहीं लगती जनाब, बहुत आसान से सेंटेंसेस है। I have many wonderful ideas. अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है many wonderful ideas. आप इसे many को किस में चेंज किया था पहले आपने, not a few में, तो आप वापस यूज कर सकते हैं। I have not a few wonderful
आइडियाज, कोई तकलीफ नहीं है। आगे आप देखें, आई मेयरली सा दैट का सेंटेंस में लिखा हुआ है मेयरली, दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है ओनली, अलोन और मेयरली। जब इन तीनों में से कुछ भी आता है, और अब हम बात किसकी कर रहे हैं, कार की, ठीक है, तो आप इसे किस में चेंज करेंगे, थिंक के लिए नथिंग बट, तो क्या हो जाएगा, आई नथिंग बट सा दैट कार। इजी है। लास्ट एंड फाइनल, ओनली धोनी प्लेड वेल, आप देख सकते हैं कि ओनली लिखा हुआ, और हम बात पर्सन की कर रहे हैं धोनी की, तो किस में चेंज करेंगे, नन बट, तो आप क्या करेंगे, नन बट धोनी प्लेड वेल। बिल्कुल सही है, कोई तकलीफ नहीं है, बस इन शब्दों को इन शब्दों में बदल दीजिए, बाकी कोई तकलीफ रहेगी नहीं। दूसरे पार्ट को, असरेटिव को, इंटरोगेटिव को सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इन्हें राइट कर लें। थैंक यू। दोस्तों, अब दूसरी कड़ी को शुरू करने के लिए अब मैं आपके सामने असर्टिव से इंटरोगेटिव के कुछ क्वेश्चंस और कुछ नियम लेकर आया हूँ, ठीक। अफर्मेटिव से नेगेटिव के जिस प्रकार से कुछ नियम थे, अब आपके लिए असर्टिव से इंटरोगेटिव के कुछ नियम हैं। यदि आपके सेंटेंस में एवर दिया हुआ हो, नेवर दिया हुआ हो, तो एवर यूज़ करें। एवरीवन के बाद अगर आपको कोई नाम दिख जाए, एवरीवन एवरीबॉडी के बाद अगर कोई नाम दिख जाता है, यानी कोई नाउन दिख जाता है, तो उसे इज देयर एनीवन या उसी का नाम के साथ, हु डज और डिज डिड नॉट के साथ आप उस सेंटेंस को बनाएं। एवरीबॉडी एवरीवन या ऑल दिख जाए, तो हु के साथ, डू डज डिड के साथ नॉट लगाकर आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल हैं, एवरीवन नोज अबाउट नरेंद्र मोदी, आप देखते हैं कि एवरीवन अगर आ जाता है तो आप उसे किस में चेंज करते हैं, एवरीवन एवरीबॉडी, तो उसे हु डज नॉट डिड नॉट के साथ चेंज करते हैं। तो आपको एवरीबॉडी दिखते ही आप क्या कहेंगे, इसे इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इसे हम चेंज करेंगे हु में, हु डजंट नो अबाउट नरेंद्र मोदी। पीछे हम इसे इंटरोगेटिव लगा देंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं असर्टिव से इंटरोगेटिव, यानी हमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। हु डज नॉट नो अबाउट नरेंद्र मोदी, यानी कि यहाँ से हम सब कुछ सेम रखेंगे, यहाँ इस चीज़ को हम इंटरोगेटिव में बदल देंगे। अब एवरीवन की जगह ऑल आ गया है, और आप देखते हैं कि ऑल वाले को भी हु से ही बनाना है। लिखा हुआ है ऑल मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट, मैंने यहाँ लिखा है हु के साथ डू डज और डिड लगाना है, वेरे सेंटेंस मस्ट हैव में दिया हुआ है, तो मस्ट हैव का मतलब होता है किया होगा, तो हम उसे किया होगा में बदलेंगे। तो ऑल को आपको किस में चेंज करना है, हु में, हु विल नॉट हैव एक्सपीरियंस्ड इट। बिल्कुल सही है, यानी कि किसने इसे एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। नेक्स्ट आता है दे नेवर प्रीटेंट, आप देख सकते हैं कि नेवर को हम एवर में बदलते हैं, तो इसे इंटरोगेटिव में क्या बदलेंगे, डू दे, नेवर का हो गया एवर, बिल्कुल सही, प्रीटेंट का प्रीटेंट, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पीपल नेवर स्पीक ट्रुथ, फिर से नेवर आया, तो इसे एवर में बदलना है, डू पीपल एवर स्पीक ट्रुथ, क्या लोग कभी सच बोलते हैं, ऐसे कहके आप इसे बना सकते हैं। और फाइनली एवरी गर्ल विशेस टू हैव अ गुड पार्टनर, तो आप देख सकते हैं कि एवरी के बाद कोई एक नाम या नाउन दिया हुआ है, जब कभी भी हम किसी एवरी वन के बाद नाम देखेंगे तो उसे इज देयर एनी वन, उसकी उसी का नाम के बाद हु डज नॉट डिड नॉट के साथ इसे चेंज करना है। तो आप इसे देख सकते हैं कि एवरी गर्ल दिया हुआ है, तो मैं इसे लिखूंगा इज देयर एनीवन, बिल्कुल ये का ये लिख दिया, फिर इसका नाम लिख देंगे तो गर्ल आया। उसके बाद हम उसे हु में चेंज करेंगे, इज देयर एनी गर्ल हु डज नॉट, फिर वापस सीधा उठाकर लिख दीजिएगा डज नॉट, विशेस का विश हो जाएगा टू हैव अ गुड पार्टनर।
फुल स्टॉप। इंटरोगेटिव आ गया आपका पीछे और इस तरीके से आप इन सेंटेंसों को भी कर सकते हैं। सेकंड टाइप हमने ख़त्म कर लिए दोस्तों, सिर्फ इन चीज़ों को इसमें चेंज करना है। ज़्यादा लंबा खींचने से इसका कोई मोल नहीं बढ़ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप भी इसे बहुत आसानी से कर सकें। आप इसे भी लिख लीजिए, टेक योर टाइम प्लीज़। दोस्तों टॉपिक को अब तीसरी कड़ी के लिए ले जाने के लिए एक्सक्लेमेटरी असरेटिव में चेंजेस करेंगे, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना है हमें। एक्सक्लेमेटरी को असरेटिव में चेंज करने के लिए यदि आपके सेंटेंस में ये सब दिए हों, वेरी उस समय लगाएंगे। यदि आपके सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है, एडजेक्टिव मतलब विशेषता, ग्रेट उस समय लगाएंगे जब कोई नाउन की बात हो रही है, या अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स ही आ जाए जैसे कि हुर्रा एंड ब्रावो, तो उसके लिए लगाएंगे इट इज़ द मैटर ऑफ जॉय दैट। शुरू करते हैं सर, इनको भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। हम किसी लड़की की तारीफ कर रहे हैं और शायद ये एडजेक्टिव है अपने आप में, तो मैं बोलूँगा द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल से पहले मैंने वेरी लगाया है क्योंकि ब्यूटीफुल अपने आप में एक एडजेक्टिव है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ा, वेरी, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है। फिर मैं सीधा इस क्वेश्चन को और थोड़ा आपके लिए इजी बनाने के लिए यहाँ आना चाहूँगा, क्योंकि नाउन के पहले क्या लगाना, ग्रेट, तो लिखा हुआ है व्हाट एन इडियट यू आर। अब आप इडियट हैं, वो भी किसकी बात कर रहे हैं, यू आर, तो आप कहेंगे यू आर अ ग्रेट इडियट। बिल्कुल सही, यहाँ इडियट किसी इंसान की बात हो रही है इसीलिए उसके आगे क्या लगा दिया, इडियट। सीधा सेकंड पर चलने की कोशिश करेंगे, हाउ लवली द डॉग इट इज़। हम डॉग की विशेषता बता रहे हैं यानी एडजेक्टिव है, तो बोलेंगे हम द डॉग इज वेरी लवली। सर ये सेंटेंस और तरीके से ही बनाया जा सकता है, और मैं से कह सकता हूँ इट इज अ वेरी, मुझे यहाँ वेरी लगा दिया मैंने, वेरी लवली डॉग, कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसे भी आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। हाउ हॉरिबल द नाइट, हाउ हॉरिबल द नाइट इज, यानी कितनी डरावनी रात है, तो मैं क्या बोलूंगा, द नाइट इज वेरी हॉरिबल, क्योंकि हॉरिबल अपने आप में एक विशेषता होती है, बहुत ही भयानक सी रात है। इन दैट वे जस्ट एन एग्जाम्पल, यू हैव टू Be clear in those things, ताकि आप इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ सकें। फाइनल आता है हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा के लिए इट इज़ द मैटर ऑफ जॉय लगाएंगे, तो हम कहेंगे इट इज़ द मैटर ऑफ जॉय के बाद लगाना है आपको दैट वी हैव वॉन द मैच का हो जाएगा, वी हैव वॉन द मैच, कोई तकलीफ़ नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हुई, लास्ट एंड फाइनल की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले मैं चाहता हूँ आप इसे भी लिख लें, टेक योर टाइम प्लीज़। दोस्तों अंतिम कड़ी के लिए अब इम्पेरेटिव्स को असरेटिव में चेंज करना है, और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप इम्पेरेटिव को असरेटिव में जब भी चेंज करते हैं और आपका सेंटेंस अगर किसी वर्ब से शुरू हो रहा है, नॉर्मल वर्ब से, तो आप एक सब्जेक्ट लगाएं, जो भी अप्रोप्रिएट आपको सब्जेक्ट लगता है, और उसके बाद शुड लगाकर वही सेंटेंस वापस लिख दें। लेकिन अगर आपका सेंटेंस वर्ब के साथ प्लीज़ ले लेता है, यानी प्लीज़ के साथ आगे क्या लिखी हुई हो बेटा, वर्ब लिखी हुई हो, तो मेरे भाई ज़्यादा कुछ नहीं करना, प्लीज़ के साथ वर्ब हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू करके वापस पूरा सेंटेंस लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेक अ यूज़फुल प्लान, आप देख रहे हैं कि मेक अपने आप में एक शायद वर्ब होती है, और अगर ये एक वर्ब है तो मैं क्या करूँगा, यू शुड मेक अ यूज़फुल प्लान, कोई तकलीफ नहीं है। फिर आता है टेक जूस डेली, आप टेक को भी देखेंगे तो ये भी एक वर्ब ही है, तो इसीलिए क्या बोलूँगा, यू शुड टेक जूस डेली, कोई तकलीफ नहीं है।
नॉर्मल सी बातें हैं, बस आप इतना याद रखिएगा कोई ज़रूरी नहीं है हर बार यू ही आए। किसी को भी एडवाइस दे सकते हैं, आई शुड टेक जूस डेली, बिल्कुल ठीक है, वी शुड टेक जूस डेली, इट्स ऑल्सो राइट, लेकिन यू को कंसिस्ट किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। अब आपका सेंटेंस दिख रहा है, पहले प्लीज़ लिखा हुआ और उसके बाद वर्ब ले रहा है, तो इन सेंटेंसों में यू आर रिक्वेस्टेड लिख देंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो प्लीज़ पास मी दैट न्यूज़पेपर, तो करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू पास मी दैट न्यूज़पेपर। कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं, पास प्लीज़ के बाद पूरा वाला सेंटेंस उठाकर वापस लिख दें। फिर से यही हुआ, प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, तो क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपीट द क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। बस दोस्तों इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। 15 मिनट में आपका पूरा सेशन जो है पार्ट फर्स्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हुआ। और भी कभी कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है आप मुझे ज़रूर बताएं कि हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और जो कमी है वो ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं इस चीज़ में। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, आप इसे लिख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज़।